1900.8 फॉरेन लिखा रिकवर। आप इतनी इतने हड़बड़ी में क्यों बोलते हैं? आप बोलते हैं कोर्ट को सुनने के लिए ना। सॉरी मैम, सुनते ही नहीं हूँ। सॉरी मैम। हाँ, तो आराम से बहस करें, सिंपल है, पीरियड ऑफ कस्टडी केवल देखना है। मेड प्लीज लॉर्डशिप फॉर रेगुलर बेसिस फॉर द ऑफेंसेस अंडर एक्साइज एक्ट माय लॉर्डशिप। मैं एडिट द एफआईआर माय लॉर्डशिप। पढ़ें क्यों, बताइए क्या है? इसको भी पढ़ने लगे तो बहुत मुश्किल है। बता रहे हैं आप पर मुकदमा बहुत है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ के समझ के बताएं। माय लॉर्डशिप, ओवरऑल 1900.8 फॉरेन लीगल रिकवर। आप इतनी इतने हड़बड़ी में क्यों बोलते हैं? आप बोलते हैं कोर्ट को सुनने के लिए ना। सॉरी, सुनते ही नहीं हूँ। सॉरी मैम। 1900.8 लीटर रिकवर फ्रॉम और टू ट्रक्स माय लॉर्डशिप। फ्रॉम टू ट्रक्स। टू ट्रक्स, यस माय लॉर्डशिप। That is parked besides a pond. That is parked beside a pond. तालाब के किनारे लगे हुए थे दो ट्रक। तालाब के किनारे लगे हुए दो ट्रक में से 1900 लीटर बरामद हुआ। आप कौन हैं? वहाँ से दो लोग अरेस्ट हुए माय लॉर्डशिप। मेरा नंबर सस्पिशन पे आया है। दो लोग अरेस्ट हुए, उन्होंने आपका नाम लिया? नहीं, वो लोग भी नहीं लिए। तब इनको कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मिला था कि ये लोग शराब उतारेंगे वहाँ पे, और उसी बेसिस पे इनका बस नाम आया माय लॉर्डशिप। तो उन दोनों ने आपका नाम, नाम नहीं लिया। और वो दोनों का क्या हुआ? वो दोनों जेल में हैं, बेल पर आ गए। यस मैम, कुल छह लोग। तो ये कहां से मैटर आया कि आपने उसको अनलोड किया था या लोड किया था, ये कहां से आया? इन्हें कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मिला पहले भी। इसका केवल कॉन्फिडेंशियल? यस माय लॉर्ड। उस बेसिस पर आप अरेस्ट हुए या सरेंडर किए? अरेस्ट हुए माय लॉर्ड। अरेस्ट हुए कब से? मैं आपका कस्टडी पढ़ा नहीं है। 16/8/21 से माय लॉर्ड की कस्टडी है। पढ़ा तो नहीं है ठीक से आपने, ऐसा नहीं होगा। आराम से बहस करें, सिंपल है, पीरियड ऑफ कस्टडी केवल देखना है। ये केस इसी से शुरू करें अपनी बहस, अपनी करियर। ओके मैडम।